वार्ड में कुछ इस तरीके से जो बेले वगैरह फूलों की वो लगाई हुई हैं, उनके पत्ते कुछ यूनिक तरीके के। ये यहाँ पर यूनिक चीज़ें कुछ इस तरीके की बनी हुई हैं। ये यहाँ पर स्थानांतरण का कुछ ऐसे बना के, और इधर कुछ ये जो आकृतियाँ आप देख रहे हो ये यहाँ सारी पत्थर से बनाई गई हैं, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही हैं। बहुत ही आकर्षक डिज़ाइन है इनका। ये कुछ जो बर्तन है अपने घर में जो यूज़ आते हैं, उन बर्तनों से बनाया हुआ ट्री। तो ये भारतीय तटरक्षक सेना इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर है यहाँ पे। तो गाइस अभी हमारे पास कुछ टाइम था हमारी बस में, तो अभी टाइम हो चुका है 1:35। तो फिलहाल हम आ गए इंडिया गेट घूमने के लिए, जो कि आप सामने देख सकते हो। और यहाँ पे काम वगैरह चल रहा है जिस वजह से यहाँ जाने नहीं दे रहे हैं, तो इतनी दूर से हमें देखना पड़ेगा। इंडिया गेट के पास जाना तो मना है, तो इसलिए हम यहाँ से वापस चलते हैं, क्योंकि वहाँ पास तो जाने नहीं दे रहे, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे, इसलिए वजह से ये यहाँ बंद कर रखा है। तो ये है नेशनल वॉर मेमोरियल, जिसके अंदर अभी हम हैं, और काफ़ी सुंदर यहाँ फ्लावर्स और काफ़ी जो छोटे गमले में पेड़ लगे रहते हैं वो हैं, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। के अंदर का कुछ इस तरीके का दृश्य, जो काफ़ी शानदार एकदम स्वच्छता बनाए हुए हैं। यहाँ पे सफाई के कर्मचारी हैं, इनके मुझे मेमोरियल में स्तंभ, अशोक स्तंभ। और इस तरफ जो जितने भी शहीद हैं उनकी यहाँ सभी की नेम प्लेट लगी हुई है। ये अमर ज्वाला जो स्तंभ है, तो स्तंभ के नीचे जो अमर ज्वाला जलती रहती है वो है, और वहाँ पे कमांडो जो 24/7 खड़े रहते हैं। लड़ाइयाँ वगैरह हुई हैं उनके कुछ चित्र, और जो घटनाएं घटी उस समय उनका पूरा विवरण लिखा गया है नीचे। अभी यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, निकलते हैं फटाफट।
यहाँ पर भी जो प्राचीन काल में जो लड़ाइयाँ वगैरह हुई थी उसके चित्र है, जो कि मुझे नहीं पता है किस चीज़ का है ये, या विवरण इतना समय नहीं था कि जो मैं पूरा देख पाता। घर जाने के लिए कैब बुक कर दी है तो वो आने वाली है, तो फिर चलते हैं मौसी के घर की।